हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवल। यह सोललैंड नोवल की समरी पर बेस्ड पार्ट 48 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। रोंगरोंग कहती है, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे डिविनिटी की। तांगसन ने रोंगरोंग की तरफ देखा। तांगसन कारण पूछने लगता है, तभी रोंगरोंग अपने आसपास देखती है। जहाँ पर ऑस्कर बैठा था वह जगह अब खाली होती है, जिससे तुरंत ही तांगसन से पूछती है, थर्ड वर्डर ऑस्कर? इस पर तांगसन मुस्कुराते हुए बताता है, वह पहले ही सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद फ्रेश होने गया है। और आगे कहता है, वह कुछ देर के लिए तुम्हारी आंखों से ओझल हुआ तो क्या तुम्हें इसकी चिंता है? इसी के साथ रोंगरोंग तांगसन से कहती है, ऑस्कर को मेरे इस इनहेरिटेंस के बारे में मत बताना, नहीं तो वह खुद को कमजोर महसूस करेगा। मैं नहीं चाहती हूँ 5 साल बाद वह दोबारा से हो। तांगसन समझ जाता है और कहता है, तुम डिविनिटी छोड़ना चाहती हो ऑस्कर की खातिर। साथ ही तांगसन कहता है, तुम सच में बड़ी हो गई हो। जब पहली बार तुमसे मिले और आज के समय तुम बिल्कुल अकल्पनीय हो गई हो। तांगसन के फिर से पूछने पर रोंगरोंग यह कहते हुए मना कर देती है कि यदि अपने प्यार के साथ ना रह सको तो फिर गॉड बनने की क्या बात है। और रोंगरोंग तांगसन से यह सीक्रेट रखने के लिए ही कहती है। इतने में तांगसन हंसते हुए कहता है, ऑस्कर सुना तुमने यह क्या कह रही है? तुम्हें जैसा लगे वैसा करो। रोंगरोंग चौंक जाती है और तांगसन से कहती है, तुमने जानते हुए भी रोका क्यों नहीं? तभी ऑस्कर को आते हुए देखा। रोंगरोंग भी ऑस्कर की तरफ भागती है और एक दूसरे से मिलते हैं। इसी के साथ जूजू क्वीन भी आ जाती है। जब तांगसन जूजू क्वीन से यह बताता है ऑस्कर और रोंगरोंग को गॉड का सक्सेसर के लिए चुन लिया गया है, तो जूजू क्वीन भी खुश हो जाती है। तभी तांगसन जूजू क्वीन से कहता है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सातों डिवाइन वर्ल्ड में मिल सकते हैं, यह मेरा विश्वास है। इसी के बाद सभी ने फिनिक्स की चीख सुनी होती है, जिससे पूरा माउंटेन ही गर्म हो जाता है। तांगसन बोलता है, फैटी भी सफल हुआ। अब माहुंगजुंग का फिनिक्स 9-हेडेड हो चुका है। माहुंगजुंग की आखिरी सोल रिंग भी रेड होती है और सोल रैंक 93 पर आ जाती है। रोंगरोंग फैटी का मजाक उड़ाती हुए कहती है, पावर अटैक टाइप सोल मास्टर 93 रैंक मुझसे भी एक कम ही है। और इसी के साथ हमें रोंगरोंग की सोल लेवल का पता चलता है, जो कि 94 हो चुकी है। माहुंगजुंग भी रोंगरोंग की कुछ तारीफ कर देता है और साथ ही कहता है, मुझे फिनिक्स डॉल लाओ बुलाओ। ऑस्कर कूद पड़ता है, क्या फिनिक्स डॉल लाओ? तुम्हें तो ईविल फायर डॉल लाओ कहा जाना चाहिए। और इसी तरह से इनकी हंसी मजाक चलती रहती है। साथ ही दाइमोवाई का रास्ता देखते हैं, अब केवल वही बचा हुआ है। इन्हीं की बातें ही चल रही होती हैं कि इसी समय दाइमोवाई के आसपास मिस्ट दिखाई देती है और सभी काफ़ी बड़े व्हाइट टाइगर की इमेज को बनते हुए देख पाते हैं। दाइमोवाई ने आंखें खोलने के साथ इलेक्ट्रिक बोल्ट की दो लाइन हवा को भी काट रही होती हैं, जो कि आंखों के साथ ही चल रही होती हैं। इसी के साथ दाइमोवाई का व्हाइट टाइगर दहाड़ने लगता है और कुछ तूफान सा आ जाता है। इसी के साथ सभी रिंग दिखाई देते हैं। आखिरी रिंग ब्लड रेड होता है, जो कि सामान्य रेड कलर से बिल्कुल ही अलग कलर का लग रहा होता है। लेकिन तांगसन को हैरान करने वाली बात जो लगी वह दाइमोवाई की मेंटल स्ट्रेंथ थी। दाइमोवाई की मेंटल स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ चुकी है। साथ ही दाइमोवाई की सोल रैंक 95 की हो जाती है। सभी खुश हो जाते हैं। एक पल के लिए तो दाइमोवाई भी कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था 95 रैंक तक पहुँच जाऊँगा। इस बार हमें उन वुहान हाल के 6 पृष्ठों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह सही भी है, क्योंकि अब रोंगरोंग के बूस्ट के साथ सभी को 95 रैंक तक बूस्ट कर सकती है। और फिर हेल वाइट टाइगर तो है ही। फिर दाइमोवाई तांगसन से कहता है, तुम कब एंजल गॉड का मैटर सुलझाने वाले हो? तांगसन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं साउवू के साथ पहले ही चला गया था और एंजल गॉड भाग गई है। सभी हैरान हो जाते हैं। फिर तांगसन आगे का प्लान बताता है, मुझे लगता है वह जियालिंग पास के लिए निकल गई होगी। साउवू के रिंग को एब्जॉर्ब करने के बाद हम भी उसका पीछा करेंगे। दाइमोवाई कहता है, बता तो देते, हमने गॉड लेवल की फाइट को मिस कर दिया है। और शायद डिवाइन एरिया में भी तुम एक डेविल हो, तुम्हारे पास एक भी ब्लैक सोल रिंग नहीं है। इस पर तांगसन कहता है, हाँ, जियालिंग पास पर मैं क्यान रेनिक्स को दूसरा मौका नहीं दूंगा। अब क्यान रेनिक्स से आखिरी फाइट होगी। इसी के साथ इनके बीच में इनके टाइटल को लेकर फिर से मस्ती मजाक होने लगती है।
और कुछ ही समय में सभी टाइटल भी डिसाइड कर लेते हैं। 95 टाइटल व्हाइट टाइगर दाइमोबाई, 92 फूड गॉड ऑस्कर, 93 फीनिक्स माहोंगजुंग, 94 नाइन कलर रोंग रोंग, 93 हेल जुजू क्वीन, 100 शी गॉड तांगसन। तांगसन साओवू को देखते हुए सॉफ्ट बॉर्न का टाइटल देता है। साओवू की रिंग एब्जॉर्ब करने की स्पीड दूसरों से ज्यादा करने की है, क्योंकि वह लंबे समय तक तांगसन की बॉडी का हिस्सा रही होती है। इसलिए तांगसन और साओवू का दिल, ब्लड, थॉट और यदि मैं अपनी तरफ से सोल भी कह दूं तो यह गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए तांगसन भी पूरी हेल्प कर सकता है। तांगसन ने धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक साथ ऊपर उठाया। इसी के साथ एक गोल्डन ब्लू लाइट ने साओवू और तांगसन दोनों को घेर लिया होता है। इसके अंदर तांगसन ने डिवाइन सेंस छोड़ दिया और धीरे धीरे साओवू के साथ जुड़ जाता है। इनकी सोल भी जुड़ी हुई है तो यह एक दूसरे की पावर को ब्लॉक नहीं करेंगे। तांगसन साओवू के मेंटल वर्ल्ड में एंटर कर जाता है। तांगसन साओवू के मेंटल वर्ल्ड में पहुंचकर साओवू को इंस्ट्रक्शन देने लगता है। तांगसन साओवू के अंदर सबसे पहले जो देखता है वह उसकी इंटरनल बॉडी थी, जो कि फीके गोल्डन कलर की हो गई होती है। यह सब उन्हीं हर्ब के कारण हुआ होता है। यहाँ पर तांगसन साओवू के अंदर की एनर्जी सोल रिंग के साथ साथ जो व्हेल किंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब की हुई थी उसे इन्हेंस करना चाह रहा होता है। इसी के साथ सबसे पहले तो गॉड गिवन सोल रिंग की एनर्जी को कंट्रोल में ला दिया होता है। उसी के साथ अपनी सी गॉड की एनर्जी के साथ साओवू के चैनलों को जोड़ने लगता है। कुछ ही समय में एक रेड रिंग साओवू के ऊपर फ्लैश होती है, जिसमें काफ़ी कम समय लगा होता है। इससे साओवू की स्किन व्हाइट जेड जैसी चमकदार हो जाती है। इसी के साथ एर्थ रिंग एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके बाद नौवीं सोल रिंग की बारी होती है। साओवू को रिवार्ड के साथ कुल 3 गॉड गिवन रिंग दी गई होती हैं। इसी के साथ एक गोल्डन रिंग फैल जाती है। साओवू के पास पहले से ही रेड रिंग होती है, इसलिए यह गॉड ने गोल्डन रिंग दी हुई है। इसकी भयानक एनर्जी उथल पुथल करने लगती है। तांगसन ने उस एनर्जी को लगभग 10 भागों में बांट दिया होता है। 9 के विस्फोट को ब्लॉक कर दिया होता है। भले ही साओवू इस रिंग को एब्जॉर्ब न कर सके, लेकिन रिंग की एनर्जी एक निश्चित पॉइंट तक फिक्स हो सकती है। इसी तरह से साओवू के रिंग एब्जॉर्प्शन को साओवू से ज़्यादा तांगसन कंट्रोल कर रहा होता है। साओवू एक के बाद एक ब्लॉक से एनर्जी को एब्जॉर्ब करती जा रही होती है। इसी के साथ साओवू 9th रेड रिंग को भी एब्जॉर्ब करने वाली होती है। साओवू के ऊपर एक ब्लड रेड सोल रिंग उभरती है। अचानक एक बदलाव हुआ। तांगसन के लेफ्ट हैंड की हथेली में ठंडक महसूस होती है। वह ठंडक तांगसन के हाथ और साओवू के बैक से होती हुई साओवू में चली जाती है। तांगसन अपना हाथ पीछे खींचने वाला होता है, तभी उसके फ्लो ने तांगसन को झकझोर दिया होता है। उसने न केवल तांगसन के हाथों को नहीं हटाने दिया, बल्कि साओवू की पावर को भी कंट्रोल कर लिया होता है। तांगसन की हालत भी खराब हो जाती है। जब उस कोल्ड फ्लो ने तांगसन की हथेली को छोड़ दिया, तब तांगसन ने महसूस किया यह उसके असुरा डोमेन की एनर्जी थी। साओवू में इस तरह की एनर्जी को महसूस करके तांगसन घबरा जाता है। साओवू का सोल लेवल 95 होता है। तांगसन ने जो महसूस किया वह असुरा गॉड की पावर होती है, जो कि साओवू में तांगसन के द्वारा पहुंची होती है। अब तांगसन की हालत खराब होती है। वह यह सोचकर डर रहा होता है कुछ गलत ना हो जाए, जबकि साओवू शांत होती है। तांगसन ने पहले साओवू के साथ कुछ गलत ना हो जाए इसके लिए अपनी सी गॉड की पावर साओवू पर उड़ेल दी होती है। यह सब होने में 1 सेकंड से भी कम का समय लगा होता है, लेकिन यह समय किसी गॉडली पावर के लिए पर्याप्त तो होता है। तांगसन इससे पहले उस पावर को खत्म करे तो हो सकता है अभी तक जिस असुरा पावर ने साओवू को नुकसान नहीं पहुँचाया है वह उसे खत्म करने पर कुछ अलग ही कांड कर सकता है। इसलिए तांगसन ने ऐसा कुछ नहीं किया। तांगसन बस सपोर्ट ही कर सकता था, लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है वह एनर्जी धीरे से बिना विस्फोट किए साओवू के साथ फ्यूज हो जाती है। इसी के साथ तांगसन ने देखा साओवू के चैनल प्योर गोल्डन हो गए हैं, एक डार्क गोल्डन कलर जो कि किलिंग इंटेंट से भरा हुआ है। अब साओवू तांगसन के लिए अपने ही लेफ्ट हैंड के समान हो गई है। तांगसन ने धीरे से आंखें खोली होती हैं। साओवू को देखा तो उसका चेहरा किसी रेड एप्पल की तरह होता है। असुरा गॉड की पावर के कारण साओवू की सोल रैंक 96 रैंक पर आ गई होती है। तांगसन अपने हाथों को पीछे से हटा लेता है। तांगसन अभी भी डर रहा होता है। तांगसन का सबसे बड़ा डर होता है
साओबू की बॉडी भयानक असुरा पावर के कारण एक्सप्लोड हो सकती है और तांगसेन कुछ भी नहीं कर सकता है केवल प्रार्थना के अलावा। ठीक इसी समय एक डार्क रेड कलर की लाइट अचानक कोने से उठती हुई इन्हीं की तरफ आते हुए दिखाई देती है। तांगसेन की डिवाइन सेंस भी इससे हिल जाती है और उसके तुरंत बाद जब देखने के लिए सिर घुमाया तो 2 मीटर लंबी असुरा डेविल स्वॉर्ड जो सी गॉड हॉल में कहीं रखी हुई थी धीरे से साओबू की तरफ तैरते हुए आ रही होती है। तांगसेन पहले ही सी गॉड बन चुका था इसलिए तांगसेन के लेफ्ट हैंड ने अब कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया लेकिन राइट हैंड ट्राइडेंट के साथ दिखाई दिया और डेविल स्वॉर्ड को बाहर से ही ब्लॉक कर दिया होता है। साओबू कहती है मुझे ऐसा लगता है यह मुझे ही ढूंढ रही है। इस बार इस स्वॉर्ड के लिए साओबू की आंखों में प्यास भर जाती है। तांगसेन यह जानते हुए कि असुरा गॉड ने साओबू को चुना है इससे ज़्यादा खुश नहीं होता है क्योंकि असुरा गॉड की यादों के साथ तांगसेन को उसके ग्रेट ग्रैंडफा की याद आ जाती है। साथ ही असुरा पावर के कारण तांगसेन के मन में कई सवाल भी होते हैं लेकिन तांगसेन भी स्वॉर्ड को केवल ट्राइडेंट के होने तक ही रोक सकता था। फिर तांगसेन साओबू को असुरा स्वॉर्ड के बारे में बताता है जैसे कि वह यहाँ पर कहाँ से आई है और यह भी बताता है वह भी ट्राइडेंट के लेवल की ही डिवाइन वेपन है। इससे तुम्हें असुरा गॉड के इनहेरिटेंस का मौका मिलेगा जो कि काफी पावरफुल गॉड है उससे उतनी ही कठिनाई होगी। मुझे चिंता है यह खतरनाक ना हो। अब इसे एक्सेप्ट करना या ना करना तुम्हारे ऊपर है। इतना सुनते ही साओबू उसे तुरंत ही एक्सेप्ट करते हुए हाँ बोलती है। तांगसेन ने फिर से सोचने को कहा लेकिन साओबू ने फिर से हाँ कहा। साओबू भी एक बात जानती होती है कि गॉड बनने के बाद तांगसेन के साथ हमेशा का साथ मिल जाएगा जिसके कारण साओबू भी उसे एक्सेप्ट कर लेती है। साओबू को वार्न करते हुए तांगसेन ने ट्राइडेंट को वापस ले लिया। इसी के साथ रेड लाइट फ्लैश होने के साथ स्वॉर्ड साओबू के सामने आ जाती है। साथ ही साओबू की स्किन पर डार्क रेड मैजिकल पैटर्न बनने लगते हैं जो कि स्किन से कुछ ऊपर होते हैं। तांगसेन उस भयानक पावर को फील कर सकता था जबकि साओबू को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। स्वॉर्ड से निकली हुई 9 स्ट्रीम जल्दी ही साओबू की बॉडी में मिल जाती हैं। वह डार्क रेड पैटर्न भी धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। तांगसेन ने यह देखते हुए राहत की सांस ली। अभी तक तो सब ठीक है। साथ ही साओबू से पूछता है क्या कोई समस्या है लेकिन तांगसेन ने एक बात चेक नहीं की। हो सकता है कि तांगसेन के असुरा गॉड की डोमेन की एनर्जी जो साओबू के लिए भेजी गई है उसके फ्यूज होने के साथ हैमर से असुरा डोमेन तो गायब नहीं हो गया है। तांगसेन ने साओबू का हाथ पकड़ते हुए उसे चेक किया। तब तांगसेन ने पाया असुरा पावर साओबू की बॉडी को नरिश कर रही होती है। साओबू की रिंग एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी पूरी हो जाती है। अब वह अपने प्लान के अनुसार वर्क करने वाले हैं। इसी के साथ 7 पिलर गार्डियन के पास पहुंच जाते हैं और सी गॉड द्वीप की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर छोड़कर जाने लगते हैं। तांगसेन के पास अब इतना समय नहीं होता कि वह साओबाई को बुलाए और बाहर जाए। इसी के साथ तांगसेन के पास एक ब्लू गोल्डन लाइट का एक काफी बड़ा रिंग बनता हुआ दिखाई दिया जिसने सभी को घेर लिया होता है। सीन पर्पल पर्ल आयरलैंड पर शिफ्ट होता है। यहाँ पर जीजियांग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। यह तांगसेन का पहला डिसाइपल कहा जा सकता है जिसे तांगसेन ने कुछ हिडन टेक्निक सिखाई हुई है जैसे कि घोस्ट शैडो परप्लेक्शन और पर्पल डीमोन आई जिसकी यह लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। तभी जीजियांग को कुछ एहसास होता है। साथ ही वह उस ब्लू लाइट को देखकर भी हैरान हो जाता है और उसे पर्पल पर्ल आयरलैंड की तरफ आते हुए देख रहा होता है। वह लाइट बेहद ही तेज होती है। एक ही पल में जीजियांग के सामने आ जाती है। वह अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। जैसे ही यह सातों उसके सामने पहुंचे वह शॉक हो जाता है। तांगसेन कहता है जीजियांग घबराओ मत। वह भी तुरंत ही तांगसेन को पहचानते हुए सामने टीचर कहते हुए झुक जाता है। तांगसेन कहता है तुम मेरे एकमात्र डिसाइपल हो। सी गॉड आयरलैंड पर जाकर कल्टीवेशन कर सकते हो। बोलते हुए तांगसेन का ट्राइडेंट फ्लैश होता है जिससे तांगसेन जीजियांग के माथे पर एक मार्क बना देता है और कहता है इससे चाहे कोई भी हो व्हाइट डेविल सार्क या फिर 7 मास्टर हो इससे वह तुम्हें पहचान लेंगे साथ ही एक्सेप्ट भी कर लेंगे। साथ ही साओबू की लास्ट गॉड गिवन रिंग भी जीजियांग को देता है और तांगसेन के यह बोलने के साथ तांगसेन और सभी सातों गायब हो जाते हैं। जीजियांग के लिए भले ही यह एक पल था लेकिन वह टीचर टीचर चिल्ला रहा होता है
और अपनी आँखों से हाथों में गॉड गिवन रिंग को देखते हुए आँखों से आंसू निकल रहे होते हैं। साथ ही अपने दिल में चिल्ला रहा होता है, टीचर मुझे भूले नहीं हैं, वो अब भी मुझे याद करते हैं, लेकिन टीचर इतनी जल्दी क्यों चले गए। रेत में घुटने टेकते हुए कुछ कदम आगे रेंगता है। जी जियांग, तुम क्या कर रहे हो? पीछे से एक महिला की आवाज़ सुनाई दी। यह वही पर्पल पर्ल की कैप्टन होती है, जी जियांग की आवाज़ से आ गई होती है। उसके साथियों ने भी वह लाइट देखी थी, तो वह जी जियांग से पूछना चाह रही होती है। उसी के साथ जी जियांग के बताने पर जी जियांग को तेजी से खींच लिया और कहती है, क्या तांगसन था? जी जियांग अपने आंसू पोंछते हुए कहता है, क्या तुम जानती हो टीचर ने मुझसे क्या कहा है? मैं दूसरों को बता सकता हूँ, मैं सी गॉड का डिसाइपल हूँ। कैप्टन उसे देखती रहती है और कहती है, क्या सी गॉड? इसी के साथ यह वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।